गुड मॉर्निंग। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल टॉपिक है, राइट। आज से क्वेश्चन, कल तो हमने थ्योरी पढ़ा था, आज से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, राइट। कैलकुलेटर की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, उम्मीद है कि कैलकुलेटर आप लाए होंगे। ये जो टॉपिक है वो हमारे मॉड्यूल में वर्किंग कैपिटल नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर चार सब पार्ट है, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो उन सब पार्ट में से पहला सब पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट, बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं आपसे एक वर्ड का मीन जानना चाहूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? इसके दो नाम आपने और सुने होंगे, बुक डेट और रिसीवेबल। सुना है? सन्ड्री डेटर्स, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, वही डेटर्स है ये। देनदार, हिंदी में अगर बात करें तो देनदार। दो वर्ड आपने सुने होंगे साइमल्टेनियसली, डेटर्स और क्रेडिटर्स, देनदार लेनदार। सुना है क्या ऐसा? अकाउंट्स में 11, 12th बेसिक फाउंडेशन में भी आया ही होगा, ठीक है। तो देनदार का मतलब क्या? ऐसे लोग जिनको हम पैसा देंगे कि वो हमको पैसा देंगे? वो हमको पैसा देंगे मतलब ऐसे लोग, हमारी तरफ से अगर बात करें तो ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना बाकी है, ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना बाकी है वो क्या है? डेटर्स, राइट। अब पैसा क्यों लेना बाकी है भैया? क्यों लेना बाकी है? अगर किसी से पैसा लेना है तो क्यों लेना है? सॉरी, बताओ, किसी से पैसा लेना है तो क्यों उनको? बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, उनको हमने क्या किया होगा? गुड्स बेचा होगा, राइट। गुड्स बेचा होगा तो सामने वाला उसके बदले में हमें पैसा देगा, सिंपल है क्या? मतलब डेटर्स की कहानी जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सेल्स पे, राइट। अब सेल भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। अब मुझे बताओ कि कैश वाले डेटर्स होते हैं कि क्रेडिट वाले डेटर्स होते हैं? कैश या क्रेडिट, बताओ। क्रेडिट, क्यों? कैश क्यों नहीं? केश वालों से तो पैसा मिल जाता है, मिल जाता है, लेकिन कुछ देर, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स में मिलता है। जैसे आपने गुड्स दिया, सामने वाले ने वॉलेट खोला, वॉलेट से पैसे निकाल के दिए, एक या दो मिनट का टाइम लगा इसमें, तो क्या एक या दो मिनट के लिए वो डेटर्स है? क्योंकि पैसा तो उनसे भी लेना बाकी ना, दो मिनट बाद मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या? बिग बाजार आप घूमने गए, बिग बाजार घूमने गए, आपने ट्रॉली में गुड्स उठाए, ट्रॉली में रखे, गुड्स उठाए, ट्रॉली में रखे, गुड्स उठाए, ट्रॉली में रखे, रखते गए, तो गुड्स उठाए, ट्रॉली में रखे, उनकी तरफ से सेल हो गई, उसका पेमेंट करना बाकी, आप कैश काउंटर पे जाओगे तब पेमेंट कर दोगे, राइट। तो क्या वहां से, ट्रॉली में रखने से कैश काउंटर पे पैसा देने तक आप डेटर्स हो क्या? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा लाइन है तो एक घंटा, इतनी देर तक वो गुड्स आपके पास हैं लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, तो क्या उतने टाइम के लिए आप डेटर्स हो? क्योंकि पैसा तो उनसे भी लेना बाकी है। अब तक हमने एक ही कहानी सुनी है कि क्रेडिट सेल विल बिकम डेटर्स, कैश सेल क्यों नहीं? क्योंकि डेटर्स की डेफिनेशन ये बोल रही है कि ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना बाकी है, तो कैश वालों से भी एक मिनट, दो मिनट, 15 मिनट, एक घंटा, जितना भी टाइम है उतने टाइम में पैसा लेना तो उनसे भी बाकी है, थोड़ी देर बाद उनसे मिलेगा, तब तक के लिए वो डेटर्स क्यों नहीं? बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि क्रेडिट सेल विल बिकम डेटर्स, कैश विल नॉट। क्यों? उसका रीजन मैं आज बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। आज से कुछ साल पहले आप एक मोबाइल रिचार्ज शॉप पर जाते थे कि आज के डेट में उसको ऑनलाइन करवा रहे हो आप, लेकिन कुछ साल पहले मोबाइल रिचार्ज शॉप पे जाते थे तो वहाँ पे आपको एक पेपर दिखता था,
जैसे आपने 100 का रिचार्ज कराया तो वो लिख देता था 100, 50 का रिचार्ज करवाया तो वो लिख देता था 50, आपने कुछ 108 का रिचार्ज कराया 108 लिख देगा, 250 का रिचार्ज कराया 250 लिख देगा, और ऐसे वो लिखता हुआ जाता था, लेकिन उसके सामने कभी आपका नाम नहीं लिखा होगा, उसके सामने आपका नाम कभी नहीं लिखा होगा सामने वाले ने। लेकिन आप आपके फ्रेंड की शॉप पे गए, रिचार्ज कराया, बोले 300 रुपये का रिचार्ज कर देना और पैसे अभी नहीं है, पैसे कुछ दिन बाद में दे दूंगा, तो उस 300 के रिचार्ज के सामने आपका नाम भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पैसा जो है वो लेना बाकी है और कुछ टाइम बाद पैसा दोगे। बाकी लोग तुरंत पैसा देते हुए जा रहे हैं तो उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? मतलब ऐसे लोग जिनसे पैसा लेना बाकी है और उनका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है, उनका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है, वो डेटर्स बनते हैं, और वो क्रेडिट सेल वाले ही होते हैं जिनका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने की जरूरत पड़ती है। कैश वालों का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना भी लिखे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि उनसे पैसा मिल जाता है। क्रेडिट वालों का क्यों लिखते हो? क्योंकि क्रेडिट वालों का लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाद में याद रहे आपको कि इन लोगों से पैसा लेना बाकी है, तो याद रखने के लिए नाम तो लिखना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो? दैट्स वाई क्रेडिट सेल विल बिकम डेटर्स नॉट कैश सेल। क्यों? क्योंकि कैश सेल वालों का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता, उनसे पैसा लेना बाकी होता है और वो मिल जाता है, तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्योर है क्या? कहानी समझ आ रही है 100%। बढ़े आगे, डेटर्स के साथ मैनेजमेंट वर्ड क्यों जुड़ा, मैं उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा अभी, राइट? वो हम समझेंगे, मतलब बाय द टाइम टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डेटर्स के साथ मैनेजमेंट वर्ड का मीन भी समझ आएगा, इस टॉपिक में करने क्या वाले वो भी समझ आएगा, अभी हम केवल डेटर्स का मीन ही देख रहे, राइट? अब एक मास्टर एग्जाम्पल हम लेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे उस मास्टर एग्जाम्पल को, उससे सारे डेटर्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम एक ही जगह लाने की कोशिश करेंगे, राइट? हम डेरिवेशन में भी जाएंगे कि कैसे बने कंसेप्ट, क्यों बने, उसका लॉजिक समझ आएगा। शुरुआत वहाँ से ना करते हुए उसके बेस से शुरुआत करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग बड़ा ध्यान से देखना, लिख लेना बाद में, आराम से लिख देना, पेन को साइड में रख दो, राइट? पूरा ध्यान समझने में होना चाहिए, राइट? तो कुछ नोट डाउन रह भी गया तो समझ लिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नोट डाउन पे ही पूरा ध्यान गया और समझा बिल्कुल नहीं तो वो कोई काम का नहीं। ऐसे तो प्रिंटेड फॉर्म में कल किसी की कॉपी लो, आप फोटोकॉपी करवा दो, प्रिंटेड फॉर्म में सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी, आपका कोर्स ख़त्म, अगर नोट डाउन इम्पोर्टेंट हो तो, राइट? तो समझना इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं आपको पूरा समय दूंगा नोट डाउन करने का, आप आराम से लिखना, बट अभी पूरा ध्यान समझने में, राइट? पेन को रख दो साइड में, कैलकुलेटर हाथ में ले लो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, रफ़ कॉपी ले सकते हो आप साइड में क्योंकि रफ़ कॉपी भी की भी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, एक बिजनेस है जिसमें पूरे साल की कॉस्ट, पूरे साल की आपकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए है, उसमें आप मार्जिन जोड़ने वाले हो एट द रेट 20% का, यानी कि 20,000 का आप मार्जिन उसके अंदर जोड़ दोगे, तो सेल कितनी बन गई, 1,20,000 की, ये सेल्स है। सेल में भी मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन दे दूं कि ये पूरी की पूरी सेल है जो वो है क्रेडिट सेल, राइट? अब क्रेडिट सेल मैंने लिखा तो इसके ब्रैकेट में एक चीज मैं आपको स्पेसिफिकली लिख रहा हूं कि क्रेडिट पीरियड जो है वो है 2 मंथ। मतलब आपने क्रेडिट सेल की सामने वाले को तो उसको कोई ना कोई क्रेडिट पीरियड तो दोगे ना कि इतने टाइम बाद पैसा देना, तो वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 2 मंथ, राइट? मेरा पहला सवाल जो आपसे है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स? डेटर्स का अमाउंट कितना होगा बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स?
बोले सिंपल, क्रेडिट सेल 1,20,000 है, 1,20,000 राइट, यही माइंड में आ रहा है। ठीक है, अभी मान के चलता हूं मैं कि 1,20,000 आपके डेटर्स का अमाउंट है, इसका सही या गलत का फैसला थोड़ी देर बाद करते हैं, बट माइंड में तो ये आ रहा क्रेडिट सेल विल बी डेटर्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं, उसके डीप में बिल्कुल नहीं जा रहा, टेंशन मत लेना। और बैलेंस शीट आई बोले आज तक मैच नहीं हुई हमसे, मत टेंशन लेना, मैं बैलेंस शीट के उस मैचिंग वाले कंसेप्ट पे जा भी नहीं रहा, मैं केवल इतना लिख रहा हूँ कि बैलेंस शीट में ये वाली साइड असेट होती है, ये वाली साइड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, असेट वाली साइड में एक हेड होता है करंट असेट, बोले हाँ होता है, और उस करंट असेट में डेटर्स आता है, बोले हाँ। ये बस मैं इतना ही लिख रहा हूं, उससे ज्यादा बैलेंस शीट में जा नहीं रहा मैं अभी, राइट। बैलेंस शीट मुझे बताना एज ऑन डेट बनती है, ध्यान से सुन के बताना, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है कि फॉर द पीरियड बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन बनती है या फॉर द पीरियड बनती है? बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, एज ऑन लेट से 31 मार्च, कि इस दिन हमारे पास इतने असेट और इतने लाइबिलिटीज है, श्योर इस दिन हमारे पास इतने असेट और इतने लाइबिलिटीज है। ऐसा नहीं होता कि इस पीरियड के अंदर हमारे पास इतने असेट रहे और इतने लाइबिलिटीज रहे, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बनता है कि इस पीरियड में हमने इतनी सेल की और इतने एक्सपेंसेस किए, तो बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डे की बनती है, श्योर आपको समझ आया होगा उसका लॉजिक भी, कि एज ऑन और फॉर द पीरियड है क्या आखिर, राइट। तो बैलेंस शीट बनती है किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे, हमने ले लिया 31 मार्च, राइट। अब 31 मार्च के दिन करंट असेट में डेटर्स आ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन कि एज ऑन 31 मार्च इतने लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा लेना बाकी रह गया है, जिनसे पैसा मिल गया है वो तो डेटर रहता ही नहीं ना, जिनसे लेना बाकी रह गया वही डेटर बनता है। और आप लोग बोल रहे हो कि 1,20,000 क्या है हमारे डेटर्स, क्योंकि क्रेडिट सेल 1,20,000 है। ठीक है, ध्यान से सुनना बस, मान लिया कि मैंने 1,20,000 डेटर्स हैं, तो आप देखो कि एज ऑन 31 मार्च 1,20,000 हमें लेना बाकी है किन्हीं बंदों से, और पूरे साल की सेल 1,20,000 है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या, ये बोल सकता हूं मैं कि पूरे साल में 1 रुपया भी हमने रिसीव नहीं किया, और पूरे साल में सेल करते गए और एट द एंड आके किसी ने कोई पैसा पे नहीं किया, तो 1,20,000 बाकी रह गया, ये इसी कंडीशन में हो सकता है। समझ पा रहे हो कि 1,20,000 के डेटर्स जो हम बोल रहे हैं वो तभी हो सकता है जब पूरे साल में हमने 1 रुपया भी रिसीव ना किया हो। गेटिंग माई पॉइंट? श्योर, मैंने बताया था कि उस एग्जाम्पल में कि 1,00,000 की आपकी कॉस्ट है, 20% मार्जिन है पूरे साल के, तो 1,20,000 पूरे साल की सेल है, 2 महीने क्रेडिट पीरियड है, तो आप बता रहे हो कि 1,20,000 विल बी डेटर्स। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने पूरे साल में केवल सेल की रिसीट कुछ नहीं की। तो अब लग रहा है कि गलत है कुछ, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, क्रेडिट सेल के ब्रैकेट में लिखा है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स मतलब हर 2 महीने में पैसा तो देना है किसी को, आज सेल की तो वो 2 महीने बाद पैसा देगा, फिर उसको कल को किसी को सेल की तो वो जब सेल की तब से 2 महीने बाद पैसा देगा, मतलब बाकी रहने का सवाल तो मुश्किल है। समझ पा रहे हो, हर 2 महीने में पैसा आएगा सेल से। तो 1,20,000 कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिख रहा है कि ये गलत है, राइट। लेकिन सही क्या है फिर, उसकी चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाते हैं, राइट। मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, 2 कॉलम क्या, यहां लिख रहा हूं मैं सेल्स और यहां लिख रहा हूं मैं कलेक्शन। इधर लिखा मैंने सेल्स, इधर लिखा मैंने कनेक्शन।
मंथ लिख देता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। मतलब मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर लिख दिया। तो मान लो कि मैंने एक अमाउंट की सेल, मतलब मैं नाम दे रहा हूँ केवल, नंबर वन की सेल मैंने अप्रैल में की, तो इसका पेमेंट, इसका कलेक्शन कब हो जाएगा? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद यानी कि जून में, श्योर। मान लो मैंने 2 अमाउंट की सेल कब की? मई में। तो उसका कलेक्शन कब हो जाएगा? बोले जुलाई में। तो 2 मई यहां लिख देता हूं कलेक्शन साइड। 3 अमाउंट की सेल मैंने अगर जून में की, तो उसका कलेक्शन कब हो जाएगा? बोले अगस्त में। क्या ऐसे पूरे साल चलता रहेगा? बिल्कुल ठीक है, ऐसा पूरे साल चलता रहा। अब मुझे बताओ, मान लो मैंने जनवरी में सेल की 4 अमाउंट की, तो इसका कलेक्शन कब होगा? बोले मार्च में, राइट। वैसे ही मैंने फरवरी में सेल की 5 अमाउंट की, और मार्च में सेल की मैंने 6 अमाउंट की, तो इसका कलेक्शन कब होगा? इसका कलेक्शन होगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में। श्योर है क्या कहानी? पूरी 100% क्लियर है, राइट। अब ध्यान से सुनना कि मैं यहां आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स करता हूं क्लोज। मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए, मतलब एज ऑन 31 मार्च में बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो एज ऑन 31 मार्च मुझे बताओ कि कितने लोगों से पैसा लेना बाकी रह गया है, नंबर 5 और नंबर 6। इन्हीं लोगों से तो पैसा मिलना बाकी रह गया, बाकी सबका पैसा तो मिल चुका। क्यों? क्योंकि बाकी सबकी ड्यू डेट आ चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? अमाउंट कितना होगा उसकी चर्चा हम करेंगे, बट क्या फरवरी और मार्च में जो सेल हुई वही अमाउंट बाकी रहेगा, ये मानते हो क्या? श्योर 100%। अगर मान लो वो क्रेडिट पीरियड 2 महीने की बजाय 3 महीने होता, 3 महीने होता, तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों बाकी रह जाते क्या? क्योंकि जनवरी भी कहां जाता 3 महीने बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल में, श्योर। अगर ये 4 महीने होता तो दिसंबर भी बाकी रह जाता। मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट सेल, बट क्रेडिट सेल के साथ साथ क्रेडिट पीरियड भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्या? समझ पा रहे हो? क्योंकि क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर रहा है कि कितने टाइम का पैसा जो है वो बाकी रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट 100%। अब और लॉजिकल समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ध्यान से सुनना कि आपने सोचा कि यार नहीं, मार्च में मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करना, मुझे तो दिसंबर क्वार्टर में क्लोज करना है। क्वार्टरली भी जरूरी नहीं, आपको जिस मंथ में क्लोज करना है उस मंथ में कर सकते हो, राइट। वो तो रिक्वायरमेंट है लोग की, क्वार्टरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो मैं क्वार्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ। वरना तो आप नवंबर में भी क्लोज करो, अक्टूबर में क्लोज करो, वट एवर यू वांट, आप सेप्टेम्बर में क्लोज करो, जहां पे क्लोज करना चाहते हो वहां क्लोज करो। ध्यान से सुनना कि जिस जगह मैं क्लोज करने की बात कर रहा हूं उसके पहले वाले 2 मंथ्स, यानी कि मैंने अगर दिसंबर में क्लोज किया तो दिसंबर और नवंबर, इन 2 महीने की सेल जो भी हमने की होगी, जितने भी अमाउंट की हमने की होगी, उसकी ड्यू डेट अभी तक नहीं आई, क्योंकि आपने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड तो दिया है, तो सामने वाला ड्यू डेट से पहले तो पेमेंट देगा नहीं, तो उनकी ड्यू डेट अभी तक आई नहीं, श्योर। तो नवंबर और दिसंबर का पेमेंट बाकी रह जाएगा। अगर आपने सेप्टेंबर में क्लोज किया तो अगस्त और सेप्टेंबर का अमाउंट बाकी रह जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? मतलब आप किसी भी टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करो, उसके पहले वाले 2 महीने का पैसा ही हमें रिसीव होना बाकी रहेगा, बाकी सब रिसीव हो चुका होगा, क्योंकि उनकी ड्यू डेट आ चुकी है, क्योंकि उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उनको पैसा देना होगा। समझ पा रहे हो क्या? 100%। मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड जितना होगा
उतने मंथ्स का पैसा बाकी रहेगा, बाकी सब रिसीव हो चुका होगा। मतलब आपने बैलेंस शीट में जो 1,20,000 बताया वो 1,20,000 तो नहीं होगा, वो कितना होगा वो अमाउंट की चर्चा हम करते हैं, लेकिन इतना होगा कि फरवरी और मार्च में जो सेल हुई है उस सेल का जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट मार्च के एंड में बाकी रह जाएगा। अब ये तो श्योरिटी नहीं है कि फरवरी और मार्च में जो सेल है वो कितनी रही हो, जितनी हर मंथ में रही हो, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो ये अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, मतलब यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि एवरेजली हर मंथ में सेल क्या रही होगी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा। तो 1,20,000 की सेल अगर पूरे साल में हुई, 1,20,000 की सेल पूरे साल में हुई, तो दो महीने में कितनी निकाला जा सकता है बड़ा आसानी से, कि 1,20,000 की सेल पूरे साल में हुई तो दो महीने की कितनी 20,000 कैसा है ये दो महीने का 20,000 कि बोले 1,20,000 पूरे साल की है तो इसको अगर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो एक महीने की आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो दो महीने की आ जाएगी। तो ये अमाउंट कितना आया 20,000, और ये 20,000 को ही हम क्या बोलेंगे डेटर्स, क्योंकि इतने ही लोगों से पैसा लेना बाकी रहेगा, बाकी सबसे पैसा मिल चुका होगा। क्या कहानी क्लियर है 100% लॉजिकली, राइट। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं राइट, यहां पे एक कॉलम बना रहा हूं मैं योर ओपिनियन का, योर ओपिनियन नाम से बना रहा हूं। तो पहली ओपिनियन जो आई वो क्या आ गई, पहली ओपिनियन आ गई डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट हमने कैसे निकाल लिया, बोले 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई राइट, तो इट इज कमिंग 20,000। तो फाइनल जो कंक्लूजन आएगा उसको हम योर ओपिनियन वाले पॉइंट में लिखेंगे। योर ओपिनियन मतलब मैंने पूरा समझाया, उसके बाद आपकी ओपिनियन ली और आपने हाँ बोला कि हाँ समझ आ गया, तो मैंने वो फाइनल कंक्लूजन इसमें रख दिया राइट। लास्ट में जाके आप और मैं इस योर ओपिनियन पे साइन कर देंगे राइट, ओरली साइन कर देंगे कि हाँ ये फाइनल हो चुका है, ताकि बाद में जाके इन चीज़ों पर डिबेट ना हो राइट, क्योंकि सारे कंक्लूजन हम यहीं क्लियर करके चलेंगे, बाद में क्वेश्चंस रेज ना हो, इसलिए हम इनको समझते हुए जा रहे हैं। क्या पहला सवाल क्लियर है, पूछो दूसरा सवाल पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ब्लॉकेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ब्लॉकेज। अब सवाल ये है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले ये भी बता दो कि एवरेज ब्लॉकेज क्या चीज है, तो हम उस डायरेक्शन में माइंड अप्लाई करें, ठीक। मैं बता देता हूं, ब्लॉकेज मतलब ऐसा फंड जो बिजनेस में ब्लॉक हो गया है, डूब गया उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बिजनेस में उलझ गया है, ब्लॉक हो गया है, जो रियलाइज नहीं होगा, फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड एवरेज ब्लॉकेज। जैसे आपकी किराने की दुकान है राइट, तो किराने की दुकान है तो आपका स्टॉक आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, तो एट ए टाइम आप मान के चलो कि साल के 365 दिन कोई ना कोई स्टॉक तो हमारा मेंटेन रहता है राइट, कि इतना स्टॉक हमारा मेंटेन, मतलब 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 इतने पैसे हमारे बिजनेस में ईच एंड एवरी टाइम इन्वेस्टेड ही रहते हैं, वो एवरेज ब्लॉकेज है, समझ पा रहे हो। वो रियलाइज होते ही नहीं है, वो रोटेट होते हैं केवल, गुड्स बिकता है फिर वापस ब्लॉक हो जाता है, गुड्स बिकता है फिर वापस ब्लॉक हो जाता है, वो रियलाइज केवल एक ही कंडीशन में होते हैं, जब हम बिजनेस बंद कर रहे होते हैं। तो बिजनेस बंद कर रहे होते हैं तो फिर स्टॉक सारा खत्म करते हैं, नया कुछ नहीं खरीदते, तो स्टॉक सारा खत्म करते हैं तभी वो पैसा रियलाइज होता है, समझ पा रहे हो।
वो वाला पैसा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कितना पैसा इस बिजनेस में उलझ गया है, ब्लॉक हो चुका है, इसका जवाब आपको देना है। एग्जाम्पल आपके सामने है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ब्लॉकेज? सब कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा, टेंशन कुछ मत लेना। अभी बोर्ड पे केवल मैं उतना ही दिखा रहा हूं, राइट, उतना ही पोर्शन शो हो रहा है आपको जितना आपको कैलकुलेशन में अभी जरूरत पड़ रही है। वो सारी चीज़ें हमने लिख ली है बाद में भी, और योर ओपिनियन में भी लास्ट में जाके मैं सब नोट डाउन करवा दूंगा। एटलीस्ट योर ओपिनियन वाला पॉइंट और योर एग्जाम्पल तो हमें लिखना ही है, राइट। फिर वो मंथ वाले एनालिसिस और वो जो हम कर रहे हैं वो चॉइस है, वो आप लिखना चाहो तो लिखना, स्किप करना चाहो क्योंकि समझ आ गया है, हमने समझने के लिए वो मंथ वाले एग्जाम्पल्स लिए, तो चॉइसेज यूअर्स, वो आप नोट डाउन का पूरा समय दिया जाएगा, तो टेंशन मत लेना, अभी पूरा ध्यान आप समझने में लगाना। बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एवरेज ब्लॉकेज? हाँ, तो कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि 1 लाख। सर 1,20,000 किसी का जवाब तो नहीं आ रहा। देखो 1,20,000 क्यों नहीं है उसका तो मैं अभी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि कभी भी कोई भी फंड अगर ब्लॉक होता है ना, हमारी पॉकेट से जो पैसा लगता है ना वो कॉस्ट अमाउंट ही लगता है। क्या सेल अमाउंट लगता है आपकी पॉकेट से? फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो आप, आपको मान लो एक स्टेशनरी शॉप खोलनी है, स्टेशनरी शॉप को खोलने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है और उस 5 लाख के गुड्स को आप 8 लाख में बेचोगे, तो आपकी पॉकेट से कितना पैसा उस बिजनेस में लगाओगे? 5 की 8, 5। 3 लाख तो उसके ऊपर हम कमाएंगे, 3 लाख तो उसके ऊपर हम कमाएंगे, समझ पा रहे हो? श्योर, क्लियर है कि? 100%। मतलब जब भी ब्लॉकेज की बात आएगी तो वो ब्लॉकेज हमेशा कॉस्ट अमाउंट होगा, सेल अमाउंट नहीं होगा। प्रॉफिट मार्जिन कभी भी हमारी पॉकेट से इन्वेस्ट नहीं किया जाता, प्रॉफिट मार्जिन तो उस कॉस्ट अमाउंट पे कमाया जाता है, ठीक है? तो जवाब इसके बाद आपका आ रहा है 1 लाख, कि 1 लाख जो है वो एवरेज ब्लॉकेज है। 1 लाख ही आ रहा है। बस इसका भी क्लेरिफिकेशन मैं दे दूं तो आप सोच के बताना बस कि क्या आप बिजनेस में ऐसा करते हो क्या कि पूरे साल में जो गुड्स बिकने वाला है, पूरे साल में जो भी सेल होने वाली है, उसको हम ईयर के फर्स्ट डे ही ला के रख लेते हैं और फिर केवल बेचते जाते हैं, बेचते जाते हैं, बेचते जाते हैं। खरीद तो हमने पूरे साल का एक साथ ही लिया, ऐसा करते हो क्या? कर तो सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए एक तो पैसा ज़्यादा लगेगा और दूसरा गोडाउन की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि स्टॉक भी हमने पूरे साल का एक साथ खरीद लिया। तो जनरली बिजनेसमैन ऐसा नहीं करते हैं, समझ पा रहे हो? बिजनेसमैन क्या करते हैं, थोड़ा स्टॉक खरीदते हैं फिर बिक जाता है, तो फिर थोड़ा स्टॉक खरीदते हैं फिर बिक जाता है, फिर थोड़ा स्टॉक खरीदते हैं। तो वैसे ही जरूरत इस बिजनेस में भी होगी, समझ पा रहे हो क्या? तो अब वापस उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा सोच समझ के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी एग्जाम्पल में, उसी मंथ वाले एग्जाम्पल में मैं आ गया हूं। ध्यान से सोच के बताना कि हर मंथ सेल कितनी हो रही है एवरेजली, क्योंकि इंडिविजुअल मंथ की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो एवरेजली हर मंथ सेल कितनी हो रही है कि पूरे साल में 1,20,000 की सेल है तो हर मंथ कितनी हो रही होगी? 10-10,000। श्योर, तो एवरी मंथ 10,000 की सेल हो रही है। तो पहले मंथ आपके पास कस्टमर आया, यानी कि अप्रैल में आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको कितना गुड्स बेच दिया? बोले 10,000 का, राइट। मई में आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको कितना गुड्स बेच दिया? बोले 10,000 का। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि ये 10,000 का गुड्स आपने जो बेचा, आपने खरीदा भी 10 में होगा क्या? बोले नहीं, इसमें तो हमने मार्जिन जोड़ा है। तो क्या उस मार्जिन की कैलकुलेशन मुझे बता सकते हो क्या कि कितना पैसा आपने, मतलब कितना पैसा आपकी पॉकेट से लगा होगा, कितना मार्जिन है, कितनी सेल हो गई? बोले 20% मार्जिन है। बोले 10,000 में से 20% निकाल लो, 8,000। सिंपल। गलत हो गया आप यहां पे। अगर आपका जवाब 8,000 आ रहा है तो उस जवाब को सही या गलत में मैं अभी बता देता हूं कि अगर आप 100 में 20% जोड़ते हो तो आता है 120,
और 120 में से वापस 20% लेस करने पे 100 आ जाना चाहिए। 20% जोड़ा, 20% लेस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि 100 आ ही नहीं रहा, ये तो 100 नहीं आ रहा। वो 20% का बेस एक बार 100 था और एक बार 120 था। समझ आ गई होगी आपको शायद कहानी कि हमने जो 20% जोड़ा वो किस पर जोड़ा है, कॉस्ट पे, और ये जो 10,000 है वो क्या है, सेल। तो सेल पे 20% मार्जिन नहीं था, कॉस्ट पे 20% था, तो सेल में से 20% लेस नहीं कर सकते हम, नहीं तो वही गलती हो जाएगी जो ये 100+20% और -20% पे हो रही है, राइट। फिर कैसे सॉल्व करें, फिर कैसे सॉल्व करें, तो आप ध्यान से सुनना कि हमारा अगर कॉस्ट अमाउंट 100 है फॉर एग्जांपल, तो सेल अमाउंट कितना रहा होगा, 120, 20 रुपए मार्जिन। इधर साइड में बता देता हूं मैं कैलकुलेशन कि मेरा कॉस्ट अमाउंट अगर 100 है, प्रॉफिट मेरा 20 है, तो सेल मेरी कितनी हो जाएगी, 120, 120। क्लियर है? अब सेल मेरी 120 है और यहां पे मुझे 10,000 अमाउंट दिया है, किसका है ये अमाउंट, सेल्स का, तो इट इज इक्वलेंट टू 120 और मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट के इक्वल अमाउंट। इंटरपोलेशन से हमने ऐसा बचपन में किया होगा कि सिंस देयर फोर, सिंस इतने में इतना, तो इतने में कितना, ऐसा समझा। तो अल्टीमेट इससे ये आएगी कि 10,000 कितने के इक्वल है, बोले 120 के इक्वल, तो 100 के इक्वल कितना, तो इट इज कमिंग 8,333। चेक कर लो ये आ रहा होगा, वापस आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 8,333 में अगर हम 20% जोड़ दें तो हमारा 10,000 आ रहा है, मतलब हम करेक्ट हैं। अगर किसी को एक्स से डर नहीं लगता, मैथमेटिक्स में बहुत सारों को एक्स से डर लगता है, बोले जैसे ही एक्स आया हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, तो अगर किसी को ऐसा है कि एक्स से डर नहीं लगता तो वो ऐसा भी कर सकता है कि बोले एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000, तो x कितना, राइट, तो ये आ जाएगा x प्लस 0.20x इज इक्वल टू 10,000, तो 1.2x, राइट। मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ जिनको x से डर नहीं लगता है, जिनको लगता है कोई टेंशन मत लो आप, तो ये वाला तरीका करो, अल्टीमेट 8,333 आएगा, श्योर। तो अब मैं आ रहा हूं कि इस 10,000 की सेल को करने के लिए हमने हमारी पॉकेट से कितना लगाया, बोले 8,333, राइट। मतलब अब थोड़ा सा और डीप में जा रहा हूं, राइट। पेन अगर चला रहे हो तो साइड में रख देना। आपने क्या किया, 8,333 का गुड्स खरीदा, उसको बेचा 10,000 में, आपके पास अभी कोई पैसा आया क्या, नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्रेडिट सेल है, पैसा 2 महीने बाद आएगा, लेकिन पॉकेट से पैसा तो लग गया ना 8,333। अगले महीने फिर एक कस्टमर आया, बोले कितने का गुड्स चाहिए, बोले 10,000 का, फिर आपको अगले महीने तक भी पैसा कोई आ रहा है क्या पुराना, बोले नहीं आ रहा, तो फिर 8,333 आपको आपकी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, फिर 8,000, पहले 8,333 आप लगा चुके हो, फिर 8,333 एक बार और लगाया, फिर अगले महीने एक कस्टमर और आ गया, बोले फिर 8,333 हमें हमारी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, लेकिन एक कस्टमर की ड्यू डेट आ गई, उससे 10,000 रुपये हमें मिल जाएंगे, फिर अगले महीने 8,333 हम लगाएंगे, 10,000 फिर मिल जाएंगे किसी न किसी से। क्या अब रोटेशन बन गया, क्या अब हर महीने आपके पॉकेट से पैसा लगेगा और हर महीने किसी न किसी से पैसा मिलेगा, मतलब आपको आपकी पॉकेट से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस का पैसा खुद इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप में, मतलब आपके बिजनेस का जो इनफ्लो हो रहा है वही आपकी नीड को फुलफिल कर पा रहा है, रोटेशन बन गया क्या, समझ पा रहे हो। तो हमारी पॉकेट से 8,333 जो 2 बार लगे हैं वो लग गए, वो वापस रियलाइज नहीं हो पाएंगे, उसका रीजन कि जैसे ही नया पैसा आएगा वापस चला जाएगा, वो बात अलग है कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिजनेस में कि जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन कमाते जाते हो तुरंत उसी टाइम निकालते हुए जाते हो, कुछ आप वहां पर रिजर्व मेंटेन करके रखते हो। तो
मान के चलना कि उन दोनों का डिफरेंस ऐसा मत करना कि उसको कॉस्ट में से मान लो कि कॉस्ट को रियलाइजेशन मानते जाए और करते जाए, राइट, माइंड में आया तो निकाल देना। इन सिंपल अगर मैं बोलूँ कि मेरा 8,333 दो बार लग गया है मेरी पॉकेट से, उसके बाद मेरी पॉकेट से लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि बिजनेस में बिजनेस की नीड को बिजनेस खुद फुलफिल करने के लिए कैपेबल हो गया। तो मेरा फंड ब्लॉकेज कितना हुआ, मेरा फंड ब्लॉकेज हुआ 16,666, इतना ही हुआ क्या, श्योर। उसके बाद मेरा फंड ब्लॉक हो ही नहीं रहा क्योंकि बिजनेस का फंड ही बिजनेस में वापस इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा फंड नहीं लग रहा, श्योर, समझ आया, 100% समझ आया। ये आप सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, आपको पहले से पता था। ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, क्रेडिट पीरियड पे, कि जितना क्रेडिट पीरियड है ना उतना पैसा हमें हमारी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लगाते जाएंगे लेकिन पैसा आएगा नहीं। अगर ये 3 महीने होता तो 3 महीने का पैसा हमारा ब्लॉक होता, 4 महीने होता तो 4 महीने का पैसा हमारा ब्लॉक होता। तो इन सिंपल सीधी सीधी बात है कि 2 महीने का पैसा हमारा ब्लॉक हो रहा है। ये पूरा का पूरा कनेक्शन भी कहां से हो रहा है, क्रेडिट पीरियड से, राइट। तो आप इसको सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, बोले निकाला तो था हमने 20,000 का फंड ब्लॉकेज, मतलब हमारे डेटर्स 20,000, लेकिन 20,000 में मार्जिन जुड़ा हुआ है, 20,000 में मार्जिन जुड़ा हुआ है उसको हटा दो, 20,000 में मार्जिन जुड़ा हुआ है उसको हटा दो। तो 20,000 के मार्जिन को अगर हटा दें हम तो कैसे हटाएंगे भैया, योर ओपिनियन के पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, एवरेज ब्लॉकेज कैसे निकल गया, कैसे निकलेगा कि 20,000 अगर 120 के इक्वल है तो 100 के इक्वल कितना, सीधा सीधा आ जाएगा 16,666 या 67, क्योंकि 0.66 है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे, कैसे, कि हमारा फंड कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहा, 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो इन सिंपल कि हमारा टोटल फंड कितना, बोले 1,00,000, कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहा, 2 मंथ के लिए, 2/12, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, अल्टीमेट आंसर आएगा हमारा 16,667। श्योर है क्या, पूरी कहानी क्लियर है, 100%। यहां तक, इसके आगे भी कुछ है जो हम जाएंगे, लेकिन यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लो, राइट, उसके आगे फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आप नोट डाउन कैसे कर रहे हो, कि पहले आप ये एग्जांपल और योर ओपिनियन वाला पॉइंट लिख दो, फिर मैं वो टेबल कोई लिखना चाहे तो वो टेबल सेल्स वाली और वो सारी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूंगा। एक बार अभी आप एग्जाम्पल और योर ओपिनियन वाला पॉइंट लिख दो,
लिख लिया राइट ठीक है। तो फिर इसी इसी एग्जांपल को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल और समझने की कोशिश करेंगे राइट। सीधे सीधे फॉर्मूले बनाए जा सकते थे, लिखे जा सकते थे, आंसर भी आ जाते, पर आपको वो मज़ा नहीं आता जो हम बेस में जाके लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं राइट। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं इसी एग्जांपल के कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, और कल शायद हम फॉर्मूला डिराइव करना भी सीख लें। मतलब हम ये जो सब जितना भी कर रहे हैं वो फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, तो बाद में हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और कल आपको समझ भी आएगा अच्छे से, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे राइट। मीनवाइल अगर आपके वो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बिंदास क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो, घर जाके कोई डाउट आया तो व्हाट्सअप कर देना ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही रोक रहे हैं, कल कंटिन्यू करते हैं विथ सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।